हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए आज शुरू करते हैं रेक्टिफायर के बारे में और समझते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है, और साथ ही समझे कि देखते हैं कि रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं। और ये जो है एक तरीके से दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। जो हमारा पी एन जंक्शन डायोड है ये उसकी एप्लीकेशन होती है। और हमें दो तरीके के रेक्टिफायर यहाँ पर समझने हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा समझना हमें यहाँ पर ये फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इनका सर्किट डायग्राम यहाँ पर क्या होता है उसको हम समझेंगे, और साथ ही देखेंगे कि जो इसके कैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आने की संभावना से रिलेटेड हैं तो उनको समझ लेंगे। तो रेक्टिफायर बेसिकली होता क्या है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, तो उसको अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेट डायरेक्ट करंट में बदल सकता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी ये डायरेक्ट वोल्टेज में बदल सकता है। तो देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पर क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का होता है कि इसमें एक ट्रांसफॉर्मर यूज होता है और एक डायोड यूज होगा और एक लोड रेजिस्टेंस इसमें होगा, और हमारा एक इनपुट सिग्नल यहाँ होगा और एक आउटपुट सिग्नल हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इनपुट सिग्नल जो कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए अगर मान के चले तो वो इसमें पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों होंगी, और जब ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर पर अप्लाई होगा। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी हम जानते हैं कि दो तरीके के होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है दैट इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डायोड यूज हो रहा है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी होती है और कैसे ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जब हमारा जो अल्टरनेटिंग सिग्नल है उसकी पॉजिटिव साइकिल जब यहाँ पर अप्लाई होती है तो ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो हम देखते हैं कि ये सेकेंडरी कॉइल का ये जो सिरा है यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। और देखते हैं कि जो ये पी एन जंक्शन डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग पे यहाँ पर होगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो जब ये फॉरवर्ड बायसिंग पे होता है तो अपने अंदर से करंट को अलाउ कर देता है और हमें एक लोड रेजिस्टेंस के अंदर आउटपुट मिलता है, वो ये आउटपुट यहाँ पर हम देख रहे हैं। जब यहाँ पर नेगेटिव साइकिल अप्लाई होती है तो यहाँ पर इसके टर्मिनल उधर जाते हैं और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल की भांति यहाँ पर काम करने लगता है। तो इस केस में क्या हो, देखते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया है और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर जुड़ गया है। तो इस केस में क्या होगा कि ये रिवर्स बायसिंग पे होगा और अपने अंदर से कोई भी करंट को पास नहीं होने देगा, तो लोड रेजिस्टेंस के अंदर हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो ये जगह वहां पर ये खाली हो जाती है। ऐसे ही जब आगे की पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल आती है तो हमें आउटपुट यहाँ पर मिलते चले जाते हैं और ये हमें एक डीसी आउटपुट यहाँ पर हमें मिलता है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग यहाँ पर हुई है। और इसमें क्या हमें याद रखना है कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं, ओनली वन डायोड इसमें यूज किया जाता है और आउटपुट जो करंट या वोल्टेज इसमें होगा वो यूनिडायरेक्शनल यहाँ पर कहलाता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हुआ। चलिए अब देख लेते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में भी इसी तरह से हमारा एक इनपुट एसी सिग्नल यहाँ पर होगा और साथ ही इसमें यहाँ पर ये जो लाइन हम शो करते हैं एक तरीके से ये म्यूचुअल इंडक्शन को यहाँ पर हमें बताता है कि जो हमारा प्राइमरी कॉइल यहाँ पर है, सेकेंडरी कॉइल है, तो उसमें जो करंट यहाँ से कैसे पहुंचती है तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पहुंचती है। तो इसमें भी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज कर सकते हैं और साथ ही इसमें एक लोड रेजिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पर होगा और दो डायोड इसमें यूज करेंगे, D1 और D2। ये T यहाँ पर सेंटर टेप होता है तो ये दो सर्किट यहाँ पर बन जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक टाइम पे एक ही डायोड यहाँ पर काम करता है, वो देखते हैं कैसे काम करता है। कि जब इसका पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर अप्लाई होता है तो हम देखते हैं कि ये वाला टर्मिनल सिग्नल टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव यहाँ पर हो जाता है। तो ये क्योंकि डायोड में ये पी टाइप होता है और ये एन टाइप होता है, तो क्योंकि पी टाइप यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल से काम पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड हो गया तो यहाँ से इस सर्किट के थ्रू हमें करंट मिलती है और ये वाला यहाँ पर रिवर्स बायसिंग पे होगा तो इसमें यहाँ पर कोई करंट हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस के अंदर जो सिग्नल आएगा या आउटपुट आएगा तो वो इस सर्किट के द्वारा हमें मिलेगा और वो ये हमें आउटपुट मिलता है। जब ये नेगेटिव साइकिल यहाँ पर अप्लाई होती है तो टर्मिनल उलट जाते हैं, तो ये नेगेटिव होगा और इस बार यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, तो ये वाला डायोड यहाँ पर एक तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग पर होगा,
सॉरी रिवर्स बायसिंग पर होगा और ये फॉरवर्ड बायसिंग पे यहाँ पर काम करने लगेगा। तो हमें जो आउटपुट यहाँ पर मिलेगा वो इस सर्किट के थ्रू यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है और ये आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस तरह से ये एसी डीसी में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो यहाँ पे भी हमें देखना होगा कि दो डायोड हम यहाँ पर यूज करते हैं और जो इसका आउटपुट होगा वो यूनि डायरेक्शनल होगा और पल्स सेटिंग होगा, पल्स की फॉर्म में हमें आउटपुट यहाँ पर मिलता है। तो ये थे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में जानकारी। हमारे पॉलिटेक्निक के सिलेबस में केवल इतना ही है, तो हम ज़्यादा इसमें यूज नहीं डिटेल में नहीं जाएंगे। और बाकी जिससे और भी आगे होता है कि जो यहाँ पर ये आउटपुट मिलता है एक्चुअली में ये प्योर डीसी नहीं होता, इसको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर लगा करके रिपल्स इसमें होता है, रिपल्स को रिमूव किया जाता है, लेकिन हमें इतना ही रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे और आगे की वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और क्या उसके एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एम्पलीफायर होता है वहाँ पर ट्रांजिस्टर काम होता है का यूज़ होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।